हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर का जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें एक अपना एक टॉपिक है विश्व के कृषि प्रदेश, उनमें विश्व के कृषि प्रदेशों में आज हम विटसली के जो कृषि प्रदेश है उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है जो अपने एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, हम देखते हैं कि जो विटसली जो महोदय है जो एक महान भूगोलवेत्ता है, उन्होंने 1936 में अपनी कृषि का वर्गीकरण किया था। कृषि के इतने प्रकार बताए थे जिनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे कितने प्रकार हैं। और इन्होंने प्रकार बताने से पहले इन्होंने आधार माने थे वर्गीकरण का। तो देखिए, विटसली ने कृषि के वर्गीकरण के 5 आधार माने थे, उनको हम देखते हैं। पहला हमारा जो आधार है वह है कृषि फसलों व पशुओं का पारस्परिक संबंध। पहला आधार माना है कृषि फसलों, मतलब उन्होंने बताया कि कृषि विश्व में अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है, उसके आधार पर उन्होंने कृषि का वर्गीकरण किया है। दूसरा इन्होंने वर्गीकरण किया है कृषि के उत्पादन के आधार पर भी इन्होंने वर्गीकरण किया है, ठीक है। फिर पशुपालन की विधियों के आधार पर भी इन्होंने कृषि का वर्गीकरण किया है। विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विधियों से पशुपालन किया जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा जो आधार माना है वो कृषि में पूंजी, श्रम, संगठन आदि के निवेश की मात्रा के आधार पर, मतलब कृषि में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसमें कितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में श्रम की आवश्यकता हो रही है, उसके निवेश की मात्रा के आधार पर उन्होंने कृषि का वर्गीकरण किया है। आगे इन्होंने आधार माना है कि कृषि उत्पादन के उपभोग के स्वरूप के आधार पर, कि जो भी कृषि हो रही है उसका उपभोग कितनी मात्रा में हो रहा है, कितना उपभोग स्थानीय हो रहा है और कितना विदेशों में व्यापार हो रहा है, उसके आधार पर भी उन्होंने कृषि के वर्गीकरण किया है, ठीक है। फिर आगे इनका जो आधार है वो है कृषि उत्पादन में तंत्र, उपकरण और आवास संबंधी दशाएं के आधार पर भी इन्होंने कृषि का वर्गीकरण किया है। देखिए, ये हमारे जो विटसली है, विटसली ने कृषि का वर्गीकरण के जो 5 आधार माने हैं वो हमने देख लिए। आगे हम देखते हैं कि जो कृषि के विटसली महोदय ने कृषि के जो प्रकार बताए हैं उन प्रकारों को हम देखते हैं कि विटसली महोदय ने कृषि को, विश्व की कृषि को 13 भागों में बांटा है। तो देखिए, हम देखते हैं पहला प्रकार है वो है चलवासी पशुचारण प्रदेश। दूसरा है व्यापारिक पशुचालन है। तीसरा है स्थानांतरित कृषि प्रदेश, ठीक है। और चौथा है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, मतलब इन्होंने बताया कि जो शुरू में तो जो कृषि की जाती थी उसमें कृषि का कोई महत्व नहीं था, केवल पशुचारण ही किया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे वैसे कृषि के स्वरूप में परिवर्तन होता गया। और 4 नंबर पे जो हमारी कृषि है वो प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश आती है। फिर अगली है चावल प्रधान, जिन क्षेत्र में चावल की प्रधानता होती है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। छठवीं प्रकार की जो कृषि है वो चावल विहीन, मतलब जिन क्षेत्रों में चावल की प्रधानता नहीं होती है उस क्षेत्रों वो है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। फिर अगली है व्यापारिक बागाती, जिसमें कृषि का मुख्य आधार होता है व्यापार करना, व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश। अगली है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो कृषि की जाती है वो है, ठीक है। फिर नवे प्रकार की जो कृषि है व्यापारिक अन्न उत्पादन, जिसमें अन्न का उत्पादन किया जाता है और व्यापार करने के दृष्टिकोण से किया जाता है, वो है व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश। फिर अगली है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादन, जिस कृषि में फसल और पशु का उत्पादन साथ साथ किया जाता है और उनका भी मुख्य आधार होता है व्यापार करना। इस प्रकार से यह है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादन कृषि प्रदेश। अगली है निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक प्रदेश, इसमें फसल और पशु उत्पादन दोनों साथ साथ किए जाते हैं लेकिन इसमें व्यापार का कोई मुख्य आधार नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय जो मात्रा है उस स्थानीय उपभोग का ही करना होता है और इसमें निर्वाहक मतलब जो जनसंख्या उसका भरण पोषण करना इसका उद्देश्य होता है। फिर अगली है व्यापारिक दुग्ध पालन कृषि प्रदेश, इसमें दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं का इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वो भी व्यापार करने के दृष्टिकोण से,
तो ये है हमारी व्यापारिक दूध उत्पादन कृषि प्रदेश। अगला जो कृषि प्रदेश है वो है विशेषीकृत बागवती या उद्यान कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः जो बागवती कृषि है उस बागवती कृषि का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से विटसली महोदय ने कृषि विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 भागों में बांटा है, वो हमने देख लिए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो विश्व के जो विटसली ने 13 वर्गीकरण किए हैं उनके एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो पहला जो वर्गीकरण किया है विटसली ने वो है जलवासी पशुचारण प्रदेश। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है जलवासी पशुचारण प्रदेश। विटसली के 13 कृषि प्रदेशों में हमारा पहला कृषि प्रदेश है वो है जलवासी पशुचारण प्रदेश। और ये कृषि का सबसे प्रारंभिक चरण है। इसमें पहले क्या किया जाता था, इसमें पहले सबसे प्राचीन काल में कृषि को कोई महत्व नहीं दिया जाता था और खानाबदोश और जो आदिवासी जनजाति है उनके द्वारा केवल पशुचारण ही किया जाता था, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम देखते हैं कि इसका जो नाम से स्पष्ट हो रहा है जलवासी पशुचारण, मतलब इसमें सबसे महत्व ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है, पशुचारण को। इसमें केवल पशुचारण किया जाता है, कृषि का इसमें महत्व नहीं होता है, ठीक है। और वो भी पशुचारण भी कैसा, चलवासी, मतलब स्थायी पशुचारण इसमें नहीं किया जाता है, इसमें चलवासी मतलब स्थानांतरित पशुचारण इसमें किया जाता है, स्थानांतरित पशुचारण मतलब जो जनजाति है। और ये जो पशुचारण किनके द्वारा किया जाता है, मुख्यतः जनजातियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा जंगलों में जो निवास करती है जनजातियाँ उनके द्वारा ये चलवासी पशुचारण किया जाता है। और ये जो जनजातियाँ हैं वो बड़े झुंड में अपने पास पशुओं को रखती है और जो पशुओं के जो झुंड हैं उनको पशुचारण करवाती है और स्थानांतरित पशुचारण करवाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो इनके जो झुंड है वो जाते रहते हैं। ये स्थाई इनका कोई निवास नहीं होता है और ये जैसे स्थानांतरित करते रहते हैं वो मुख्यतः पहाड़ी ढालों में, मुख्यतः ऐसे प्रदेश उनका जो मुख्य स्थान होता है जहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जाता है, मतलब ऐसी भूमि एशिया और अफ्रीका की, एशिया और अफ्रीका के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जाता है, मतलब जहाँ की जो भूमि होती है उसकी भौगोलिक दशाएँ होती है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि नहीं की जाती है उन क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा ये चलवासी पशुचारण किया जाता है। और इनकी एक अन्य मुख्य विशेषता ये है कि इनमें ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन ये करते रहते हैं, मतलब ये निश्चित रूप से एक निश्चित जगह पर नहीं रहते हैं, ऋतु के अकॉर्डिंग ये अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे देख लीजिए ये अपने पशुओं के झुंडों को गर्मियों के दिनों में तो ले जाते हैं पहाड़ों की ऊपरी चोटियों पर, वहाँ पे पशुचारण करवाते हैं, और फिर जब सर्दियों में पहाड़ों की जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पे जब बर्फ़ जमने लग जाती है तो वे पहाड़ियों की निचले घाटों में गर्मियों के दिनों में वहाँ जाते हैं और वहाँ पे अपने पशुओं का पशुचारण करवाते हैं। इस प्रकार से ये अस्थायी रूप से नहीं रहते, इनका जो निवास होता है वो बिल्कुल अस्थायी होता है, अस्थायी इनका निवास होता है। और इनका जो जीवन है पूरा पशुओं पर ही निर्भर होता है, इनका जो रहन सहन है, इनका जो खाना है, इनके वस्त्र हैं, ये सभी पशुओं पर ही निर्भर होते हैं। फिर आगे हम विश्व में हम इनके जो क्षेत्र देखें, विश्व में चलवासी जो पशुचारण है उसके कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए मुख्यतः एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया और अफ्रीका में ये चलवासी पशुचारण जनजातियों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे हम देखें तो चलवासी पशुचारण उत्तरी अफ्रीका के मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका के मध्य पूर्व तथा मध्य एशिया के शुष्क तथा मध्य एशिया के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में,
अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जलवासी पशुचारण किया जाता है। फिर हम अफ्रीका के भाग देखें तो अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका में सवाना प्रदेश है, पश्चिमी अफ्रीका में सवाना जो प्रदेश है, सवाना प्रदेश में देखिए जो फुलानी पश्चिम में तो है फुलानी जो जनजाति है, और पूर्वी अफ्रीका में हम देखें तो मसाई और इथोपिया। फिर हम सूडान में देखें तो देखिए सूडान में न्यूबा और बंटू और होटेंटाट ये जो मुख्य जनजाति है इनके द्वारा अफ्रीका में जो चलवासी पशुचारण वो किया जाता है। फिर हम एशिया में हम देखें तो मध्य एशिया के जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से लेकर और मंगोलिया तक हम देखें तो इसके क्षेत्र उत्तर चीन तक खिरगिज और कजाक। एशिया की बात हम करें तो एशिया में कैस्पियन सागर से लेकर उत्तरी चीन तक इसका विस्तार है, और इसमें जो जनजाति हैं वह कजाक, किर्गिज इन जनजातियों के द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। फिर हम साइबेरिया में हम देखें साइबेरिया में देखिए टुंड्रा प्रदेशों में याकूत और समोयड इन जनजातियों के द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। स्कैंडिनेविया में हम देखें तो स्कैंडिनेविया में लेप्स जनजाति के द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने चलवासी पशुचारण का एशिया में हमने जो क्षेत्र देखे तो सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में मुख्यतः चलवासी पशुचारण किया जाता है। ठीक है, फिर हम अफ्रीका के जो क्षेत्र देखिए तो उत्तरी अफ्रीका के मध्य पूर्व क्षेत्र में और मध्य एशिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण जनजातियों के द्वारा किया जाता है। हम अफ्रीका के क्षेत्र देखें तो अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका के जो सवाना घास के मैदान हैं वहाँ पे फुलाना जनजाति के द्वारा, पश्चिमी अफ्रीका में फुलाना जनजाति के द्वारा, और पूर्वी अफ्रीका में मसाई और इथोपिया। अफ्रीका के एक तो पश्चिमी जो अफ्रीका है उसमें तो फुलानी जनजाति, और पूर्वी अफ्रीका में है मसाई और इथोपिया, फिर सूडान में है न्यूबा, बांटू और होटेंटाट, यह तीन मुख्य जनजाति है इनके द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। फिर हम एशिया की बात करें तो एशिया में देखिए इसका जो चलवासी जो पशुचारण है उसका विस्तार है कैस्पियन सागर से लेके और उत्तरी चीन तक इसका विस्तार है, और इसमें जो मध्य एशिया की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं कजाक और खिरगिज इनके द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। फिर ऊपर हम साइबेरिया की बात करें तो साइबेरिया में याकूत और समोयड जनजाति है, और स्कैंडिनेविया में हम देखें तो स्कैंडिनेविया में लेप्स जनजाति के द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। इस प्रकार से हमने जो चलवासी पशुचारण है उसकी विशेषताएं और उसके जो विश्व में जो स्थान है उनके बारे में हमने देखा है। आगे हम चलते हैं, अगली जो हमारी जो कृषि है वो है व्यापारिक पशुचारण। अगली हमारी है व्यापारिक पशुचारण। अब देखिए इसमें भी आपको पता चल रहा है कि व्यापारिक पशुचारण कृषि है, इसमें भी जो मुख्य जो स्थान है वो किसको दिया गया है, पशुचारण को। इसमें भी कृषि का कोई महत्व नहीं है तो इसमें महत्व किसको दिया गया है, पशुचारण को इसमें महत्व दिया गया है।
और वो भी व्यापारिक, मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे पशुचारण किया जाता है और व्यापार किया जाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसीलिए बहुत बड़े फार्मों में पशुचारण पशुपालन किया जाता है, बड़े फार्मों में। तो ये आपके यहाँ पे पशुपालन है, ठीक है। व्यापार करने के उद्देश्य से पशुओं का पालन किया जाता है तो बड़े बड़े फार्मों में यहाँ पशुओं को रखा जाता है और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है। और जो उन्नत जो घास है या फिर जो पौष्टिक आहार है उनका उपयोग भी पशुओं को खिलाया जाता है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। तो जो इनको पौष्टिक आहार की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है तो उनसे पशुओं से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं तो उनका व्यापार भी करते हैं। तो जैसे देखिए विश्व में हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया में ऊन का व्यापार किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ऊन, और न्यूजीलैंड में दुग्ध का व्यापार किया जाता है। किनके कारण से? व्यापारिक पशुपालन किया जाता है और व्यापारिक पशुपालन के द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया में ऊन का विदेशों में निर्यात किया जाता है और न्यूजीलैंड में दुग्ध का भी निर्यात किया जाता है। और इनके जो अपनी व्यापारिक पशुपालन विधि है उसमें वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है और बड़े बड़े फॉर्मों में इनको रखा जाता है, क्योंकि इनका जो मुख्य आधार है वो पशुपालन, वो जो है व्यापार इनका मुख्य आधार है, ठीक है। फिर आगे हम देखिए विश्व में इनके जो क्षेत्रों की हम बात करें तो देखिए विश्व में जो अपनी जो ये व्यापारिक पशुपालन है उसकी हम विश्व में क्षेत्रों को देखें तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला क्षेत्र है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके जो प्रेरी घास के मैदान है उन घास के मैदानों में गेहूं की कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और मुख्यतः वहाँ पे कौन सा पशुपालन किया जाता है? व्यापारिक पशुचालन, ठीक है। फिर अगला क्षेत्र हम देखें तो कनाडा और मैक्सिको के क्षेत्र भी है इसमें, इसी में आ जाते हैं कनाडा व मैक्सिको के क्षेत्र। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो वेनेजुएला के जो लानोस घास के मैदान है, वेनेजुएला के लानोज घास के मैदान है, वहाँ पर भी व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। फिर हम देखें ब्राज़ील के सास्ताओ इनमें किया जाता है। फिर देखिए यूरुग्वे और अर्जेंटीना के जो पंपास घास के मैदान है, अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदानों में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। फिर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ भाग है, ऑस्ट्रेलिया के जो डाउन्स घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में भी व्यापारिक पशुपालन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने विश्व के जो प्रदेश है व्यापारिक पशुपालन के हमने देखे, सबसे पहला जो मुख्य प्रदेश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ के जो प्रेरी घास के मैदान है वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है, और जिसके जो अन्य क्षेत्र हैं कनाडा और मेक्सिको में भी किया जाता है। फिर हम देखें जो वेनेजुएला के जो लानोस घास के मैदान हैं, वेनेजुएला के जो लानोस घास के मैदान हैं उनमें भी व्यापारिक पशुपालन किया जाता है, ब्राज़ील के सास्ताओ, अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदानों में, और ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स के जो घास के मैदान है वहाँ व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। और इनका जो मुख्य आधार होता है वो व्यापार करना, पशुओं से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पाद का व्यापार करना इनका मुख्य आधार होता है, ठीक है। आज हमने दो जो कृषि प्रदेश हैं तलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन, इनके बारे में हमने पढ़ा है, और अगले वीडियो में हम अपने अगले जो कृषि प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।